हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। गाइस हम लोग जा रहे हैं कहीं बहुत ज़रूरी काम से और ब्लॉग भी बनाना है साथ में, घूमना फिरना भी हो जाएगा। हमें नहीं पता हमें कहाँ कहाँ तक जाना है, लेकिन हम काम से जा रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा हमारे आउटफिट से कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, बट हम लोग काम से जा रहे हैं। तो आप सामान लाना था, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बने रहेगा। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ओ, मतलब हमें भी इतना पता नहीं है कि ऐसा है, लेकिन काम बहुत अर्जेंट है। हम आपको जो वहाँ पहुँच के बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन भी और क्या काम था और वो सब चीज़ें बन जा ही रही थी। हमें लोकेशन कुछ नहीं पता है। ठीक है, मिलते हैं वहाँ पहुँच के। बाय गाइस। धूप आ रही है, हल्दवानी में धूप नहीं आ रही है, हल्की धूप आ रही है। वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा मौसम होता है। चलो ठीक है, बाय बाय। तो अभी हम ये बाहर निकले थे कि हमें भूख लग गई, हमें सोचा काम बाद में खाना, पहले देखो भूख कर। तो दोस्तों अब हमने कुछ खा लिया है, भूखे पेट हमसे नहीं जाया जाता, इसलिए हम कुछ खा के निकल चुके हैं। धूप आ गई है, हम काले हो जाएंगे, इसलिए हमने मास्क लगा दिया। इसलिए काले नहीं होने, काम तो काम है, काम भी करो लेकिन मास्क लगा के। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। जा रही है खड़े खड़े जा रही हूँ, उसके बाद किराया देना पड़ रहा है। खड़े खड़े जा रही है। और हम बस में ऐसे बैठे थे, बस में इतनी भीड़ थी कि बस हम लोग के लिए जगह नहीं थी, हम दोनों के लिए, बाकी बस में बहुत भीड़ थी, बस हमारे लिए जगह नहीं थी, समझ रहे हो। अभी हम फिलहाल हमारा काम देखिए गाइस, हम अपने काम करने पहुंच चुके हैं। इधर देखिए गाइस, हम सात ताल आ गए हैं, काम हमारे यहीं था सात ताल में। अब हम वोटिंग करेंगे, जैसे कि हमारा इम्पोर्टेंट काम है वोटिंग करना, वो हम कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। उसके बाद पहुँच चुके हैं हम, अभी उसके बाद कहीं जाएंगे तो देखते हैं। ये देखिए हम दोनों को कोई काम नहीं, इसलिए हम डूबने आ चुके हैं। गए हम सात ताल, सात ताल कहाँ है यहाँ, खुद चलानी आती भी है तेरे को, मेरे से तो नहीं चलती, मेरे पैरों में दम नहीं है। झूठ बोल रही है, क्या पैडल वाला वोट हमारे बस की नहीं है। तो कहते अभी हम जा रहे हैं बतकों को देखने, तो भाग रही है बता। ये लो दिल ना लगा हमने किसी से, किससे सुने, एक बतक पानी में गया छपाक। यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही। ये देख रहे हो उनका स्ट्रगल, डुबकी लगा रही, ये डुबकी लगा रही उसने। काफिराना इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना है इश्क है या क्या है। दो मछलियां पानी में गई छपाक, इसको फेंको उस मछली में। सात ताल की जहाँ पर रिवर क्राफ्टिंग वगैरह होती है वहाँ पे हैं हम। ये हमारा काम था, देखो कितना इम्पोर्टेंट काम करने हम यहाँ गए थे। हमें नहीं पता था हम यहाँ जाएंगे, इसलिए हमने पहले नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें ऐसे सोचता है ना, हम कहीं पहुँचने जाने कहीं और वाले होते हैं, पहुँचते कहीं और। चलो वैसे हम रिवर क्रॉसिंग करेंगे, नहीं करेंगे यार, मन नहीं है कुछ लड़के का, कुछ मन नहीं है। गाइस हम लोग आ गए हैं चाफी, ये चाफी का पुल। गाइस हम लोग पहले गए थे सात ताल, अब हम लोग आ गए चाफी घूमने के लिए। और यहाँ पर ये है, एक्सक्यूज मी ये मैं हूँ। हम दोनों घूमते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे, हमारा इम्पोर्टेंट काम पूरा ही नहीं हो रहा है, बाल धुल रहे ऐसे हो गए हमारे, इतने सारे काम है। ये देखो बैग रखी, अभी काम हो जाएगा तो आपको बताएंगे कौन से काम के लिए हम आए थे। आप लोग समझ गए होंगे हम तो घूमने आए थे, तो घूमने आए थे, यही हमारा स्पेशल काम था भाई। कुछ बाल मेरे भाई, नीचे नदी नदी में जाएगी मच्छी मारने। मच्छी मारना गलत बात है गाइस, ऐसे नहीं मारना चाहिए, किसी के प्राण नहीं हरने चाहिए, बहुत गलत बात है, प्राण नहीं हरने चाहिए। देख रहे हो, वो देखो लोग मच्छी मार रहे हैं, गलत बात है। देख लो नदी कितनी जा रही है, अभी इसमें दिया को धक्का दूंगा।
गाइस फाइनली चाफी में है, ये देखो नदी और बहुत मजा आ रहा है। अभी हम पानी में खेल रहे थे, देखो देखो पूरा भीग गए। यहाँ आएगी अभी पानी में जाएगी छपाक छपाक। ये देखो गाइस एक मछली पानी में गई छपाक। गाइस ये देखो हम लोग यहाँ पर आ गए और हम यहाँ पर बहुत मजे कर रहे हैं। ये मछली पानी में जा रही है छपाक छपाक। पानी नहीं डालना, बहुत ठंडा पानी है गाइस, बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसा लग नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठंडा ठंड ठंडो रे ठंडो। गाइस मैं खो गई हूँ इधर, छोड़ यार तू, मैं पानी में डूब चुकी हूँ और इतने पानी में। चलो भाई अब सुनो, पानी का खुशहाल खुशहाल आगे ऐसे बैठी है, कोई काम धाम नहीं है, सब छोड़ दिया है अपना घरवार। वैसे सुनाई दे रहा है, बताओ के लगले वहाँ पर लेस खाने लग गई, यानी कि मेरे को दे जाओ गंदी लड़की। वो जबरदस्ती घर जाने के लिए बोल रही हो, वहाँ पर बैठी हुई है, मेरे को नहीं जाना अभी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे नदी के आस पास और वो उधर, मेरे को नहीं जाना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर चाफी में। गंदगी ना करें, ऐसे काम करें, पानी में पत्थर फेंके, ये कितना सफेद पत्थर है। जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है। तो एक चीज को भिगा के पूरा, मैं तो फिर पानी में कूद गई थी। तो गाइस अब जो भी कहो हम भी तो इसको जाड़ा हो रहा है, जाड़ा हो रहा है, कर रही है खाली कर रही है, कुछ ठंडा नहीं हो रहा है, यहाँ का पानी इतना मस्त है और नहाने के बाद आय हाय हाय हाय, उफ क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना मस्त लग रहा है ना मुझे। पवित्र जल नहीं बहता, जल तो सही होता है, खाली कर रही, कोई ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन जो मजा आया ना, मैं तो पानी में थोड़ी देर और रहती, मैं इतनी देर तक रही पानी में, ये भगा के ले बोली चल 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 लेट हो जाएगी। ये देखो पूरा यहाँ चाफी में, हाँ दिखने को उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन कैमरा कहाँ कैद कर पाता है, जितनी खूबसूरती चीज होती है कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन मेरी मेरा फेस देखो कितना हैप्पी लग रहा है ना, समझ जाओ बस, हैप्पी इंसान का फेस तभी लगता है जब कोई चीज़ उसे अच्छी लगी हो, है ना। तो सेम देखो अब उधर पे पुल है, हम उधर पे भी जाएंगे, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाएंगे। अरे यहाँ पे मधुमक्खी का घर है यार, जबरदस्ती जिनको कैद कर, जबरदस्ती नहीं तो यहाँ पे देखो शहद बनता है, बहुत सारी मधुमक्खी, देखो ये जो डिब्बे दिख रहे हैं ना इसमें सब में मधुमक्खी है, तो ये शहद यहाँ पे छत्ता वत्ता लगा होगा इसका, अंदर अंदर का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एक होल बना रखा है साइड से, देखो दिख रहा होगा इसमें यहाँ पे है, और यहाँ पे ये शहद वगैरह हम नहीं कह सकते कि प्योर है, लेकिन आंखों देखी चीज है, आंखों से नहीं देखा हमने, हाँ लेकिन अगर ये लगाया तो प्योर ही होगा। अब वो देखने लगी वहाँ पे कितने का कितने का है, पूछने लगी है, ठीक हो गया। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा एक इम्पोर्टेंट काम था, आपको लगा होगा कि कोई काम नहीं है सारी वीडियो देखने के बाद, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि सच में काम था, और हमने काम पूरा हो चुका है। ये देखिए दवाई, ये दवाई थी बहुत महत्वपूर्ण, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत टाइम से खराब है तो उनके लिए दवाई लानी थी, ये बहुत दूर से आ रही थी तो इस दवाई के चक्कर में हमें आना पड़ा, इसको लाना मतलब एक लंबा प्रोसेस था, इसलिए हम इसको लेने गए थे, और थोड़ा बहुत हमारा घूमना फिरना हो गया था, हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं बस। बाकी सबसे महत्वपूर्ण जो था ये दवाइयाँ थी, ये लेने गए थे और ये आ गई है। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय।